हर एक टेबल पे ऐसे ही कुकिंग हो रही है जहाँ जहाँ आप कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बशर्ती का आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम वियतनाम के सबसे फेमस फिश नूडल के रेस्टोरेंट पे आए हैं। तो यहाँ पे फिश नूडल्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, बड़े मजे से और शौक से खाई जाती हैं। इसको कहते हैं क्या, चाका थंगलोंग जी, और मेरी फेवरेट मछली है जी। ठीक हो गया, मूंगफली आ गई है, चॉपस्टिक्स आ गई है, चंगले चंगले कहते हैं पैशन फ्रूट जूस को। राजा भाई माशाल्लाह फूड एक्सपर्ट है यहाँ वियतनाम में। तो आज हम भी इनके साथ इधर फिश नूडल्स जो है वो ट्राई करेंगे। कोई भी टेबल आप देख लें, वहाँ पे कुकिंग चल रही है। ये अभी हमारे लिए सामान आ गया, ये नूडल्स हैं ये, और साथ में सब्जियाँ और सॉस है, ये जूस आ गया, फ्रेश जूस, पैशन फ्रूट जूस जी। ठीक हो गया, और यहाँ पे देखे ना, साथ साथ कुक हो रही है, नीचे आग जल रही है भाई, और यहाँ पे उबाल आता हुआ मैं आपको दिखाऊं। ओके भाईजान, ये हलाल नहीं है ना ड्रिंक ये वाला, अंडरस्टैंड। कैंची चल रही है जी काटने के लिए। तो यहाँ पे फिश आ चुकी है, हाँ यमी पाकिस्तान फिश आ चुकी है, और यहीं पे कुक होगी फिश। ये आ गई इसमें सब्जियाँ, पाकिस्तान मूंगफली है, सब्ज़ प्याज है, धनिया है, पुदीना है, ये सब्ज़ मिर्च है, छायला ओके ओके ओके, स्प्रिंग ओनियन ओके, मिंट ओके, फिश ओके ओके, मूंगफली आ गई, चिली या आई लाइक स्पाइसी ओके ओके ओके, ये सॉस हो गई तैयार, ये गई जी सॉस ऊपर मिक्स, ये मेरी चॉपस्टिक्स हैं ओके। तो अब मुझे समझ नहीं है कैसे खाएंगे चॉपस्टिक्स से, मिक्स करेंगे, ट्राई करूँगा मैं ऐसे ऐसे। मछली यार वाकई में बड़ी मजे की, और उसके बाद हाउ देखे ये नवाला जो बना ना कमाल जबरदस्त।
वही चीज़ जो है ना तो वो अलहदा से टेस्ट दे रही है मछली जो है उसका टेस्ट, और फिर कच्ची सब्जियां जो हैं उसमें मछली यार बड़ी मज़े की है। और मैं तकरीबन मुझे 18 साल हो गए यहाँ पे, मैं हफ्ते में 2 दफा खाना खाने मेरे बच्चे भी आते हैं, बहुत स्पेशल मछली यहाँ। और वाकई में कोई शक नहीं है टेस्ट में ना, जो खुद बनाते हैं ना हम इसको अपने हाथ से जी, वो सबसे इंजॉयफुल है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है जो है ना, जो पाकिस्तान जाए हम उसको यही लेके आते। जिंदाबाद। ये फिश आ गई। मैं पाकिस्तान से गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगों को यहाँ बोल लेके आया। जी जी जी। कुछ सेनेटर्स हैं पाकिस्तान से, वो भी आए थे, उनको भी लेके आए। जी जी जी। हमारे पास जो पाकिस्तान से गेस्ट आते हैं उनको ये लाजमी खिलाते हैं। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा देसी टच जो है ना वो ऐड करूँगा हाथ के साथ। ये आ गई नूडल्स, थोड़ी और स्पाइसी करूँगा मैं। ये सॉस आ गई, स्प्रिंग ऑनियन, धनिया और पुदीना मिक्स करेंगे, थोड़ी मूंगफली डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब एक निवाला बनाते हैं। नीचे मछली है, कमाल है यार, कमाल सच में। पाकिस्तान में लोग पता क्या कहते हैं जी, क्योंकि मछली तो सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए, यहाँ पे गर्मियों सर्दियों में जो है हर सीजन में ये मछली खाएगी। हर एक टेबल पे ऐसे ही कुकिंग हो रही है। ये जो मूंगफली वाला कॉन्सेप्ट भी है ना, ये भी बड़ा कमाल है। सही बात। ये देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना जी जी जी, वो ये कि बाहर आप तेल खाना खाएंगे ना तो आपको उसकी गारंटी नहीं है, उसके अंदर मछली होगी या उसके अंदर कोक भी डाल दें। जी जी जी। यहाँ पे आपके सामने सब कुछ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और सब ये सिर्फ यही एक डिश है, यही एक डिश है, ये स्पेशलाइज है इनकी। और इनका रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से पिछले 12-14 साल तो इसीलिए हम यहाँ पे, यहाँ पे सब जो हमें कॉन्फिडेंट होता है कि यहाँ पे सामान आ रहा है। जी जी। यार कमाल की फिश है, पूरी हांडी बन गई। हाँ जी। ये आ गई आखिर में ऊपर मूंगफली, मिक्स करेंगे। ये नवाला जी देखे, आप पहले बंदे हो हाथ से खा रहे हैं, हाथ से खाते हुए मछली का इतना मजा आया, और मछली हमने मंगवा ली है, और यहाँ पे फ्रेश जूस है। ये किस चीज का जूस है? ये पैशन फ्रूट कहते हैं इसको, पैशन फ्रूट। कमाल का जूस है ये, यहाँ पे लेमन की तरह इस्तेमाल होता है। यार फ्रेश कर दिया इस जूस ने भी। ये यार कमाल का काम है। वियतनामी लोग जो है ना इसीलिए बहुत हेल्दी है। जी जी जी। क्योंकि देखें इसमें इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई ज़्यादा तेल भी नहीं है। जी जी जी। और जो है इसमें फ्रेश वेजिटेबल है जी, और इसको जरा सा हाफ डन करके मछली के खाते हैं।
ये गर्म होगा, ये मैं ऐसे ही नवाला लेना चाहूँगा, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिश सॉस में मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, अब निकलेगा जी धुआं। ये सारी मूंगफली आ गई। राजा भाई इनके किसी रेस्टोरेंट से सब्जी भी नहीं खा सकते? नहीं नहीं, बाहर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे जहाँ पे एक डिश से ज़्यादा का मेन्यू है, वहाँ पे ये सब्जी भी खाएंगे ना तो उसमें भी जो पोर्क होती है ना उसकी स्किन को उन्होंने ग्राइंड किया होता है, ड्राई करके ग्राइंड किया होता है, उसके ऊपर डाल देते, जैसे हमारे पाकिस्तान में लाल प्याज डालते ना सूखा प्याज, ये इस तरह उसके ऊपर डाल देते हैं पोर्क स्किन हर खाने के ऊपर, इवन कि आप पिज़्ज़ा भी खाएंगे उस पर भी डाल देते हैं, सी फूड खाएंगे उस पर भी डाल देते हैं, तो इसलिए हम ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे वो सिर्फ फिश है, यहाँ पे मछली मिलेगी आपको और ये बहुत फेमस है, यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, मलेशियन आते हैं, इंडोनेशियन कोई भी मुस्लिम आते हैं यहाँ सारे आते हैं, तो बाहर खाना खाना मुश्किल है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा मज़ा आया और ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, और इस तरह लाइव कुकिंग और टेबल पर कुकिंग चल रही है साथ में खाना चल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वाला एक्सपीरियंस जो है पसंद आया होगा। तो आपकी मेहरबानी है जनाब, मुझे तो पता ही नहीं चलना था ना इस मामले का। ये आपकी मोहब्बतें हैं जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों बीमारियों परेशानियों और आफात से महफूज रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सीख को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।